चैप्टर थ्री मेटल्स और नॉन मेटल्स बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन आंसर्स हम देख रहे हैं। दो मेथड बताने हैं आपको ताकि रस्टिंग से बचा जा सके, आयरन की रस्टिंग से आयरन को बचाना है। फिर ओर्स बताने हैं इन मेटल्स के, मर्क्यूरी और जिंक के, और एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ कि किस तरीके से कॉपर मेटल को आप रिफाइन करेंगे। आपको लेबल भी करना है जो अरेंजमेंट होगा इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। तो एक एक करके इसका आंसर देते हैं। पहला है दो मेथड जिससे हम प्रिवेंट कर सके रस्टिंग आयरन की। आप पेंट कर सकते हैं आयरन को, आप गैल्वनाइज कर सकते हैं यानी जिंक की कोटिंग उस पर लगा सकते हैं। मर्क्यूरी का जो ओर है वो है सिनेबार और जिंक का है जिंक ब्लेंड। अब आते हैं इस डायग्राम वाले चीज पे। इसमें ऐसा है कि जो इम्प्योर कॉपर है इसको हम लेंगे एज एनोड, जबकि प्योर कॉपर को हम लेंगे एज कैथोड। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है CuSO4 उसको हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह लेंगे और जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करेंगे तो इम्प्योर कॉपर जो है वो आयन में चेंज होगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कैथोड पे और चेंज हो जाएगा प्योर कॉपर पे। जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ आ जाएंगी, एनोड पर मड की तरह। तो हो क्या रहा है इसमें, कॉपर जो है वो इम्प्योर कॉपर 2+ यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। अब कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और प्योर कॉपर बनाएगा। यहाँ पर इसका आपको फॉर्मेशन दिख रहा है, ये आपका कैथोड है जो कि प्योर मेटल है, ये आपका इम्प्योर है, ये आपका एसिडिफाइड सॉल्यूशन है यानी कि CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिफाइनिंग है, ये आपका मड है। सुटेबल एग्जांपल से आपको बताना है किस तरीके से आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। आपको तीन जनरल प्रॉपर्टीज भी बतानी है इन आयोनिक कंपाउंड्स की। तो अब देखिए आयोनिक कंपाउंड्स, यहाँ पर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का मेटल से नॉन मेटल में। अब आप देखिए कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, अगर कोवेलेंट बॉन्ड कहें तो उसमें शेयरिंग होती है, यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो Na एक इलेक्ट्रॉन देगा और यही इलेक्ट्रॉन जो मिला है वो क्लोरीन ले लेगा और Cl- बना लेगा। इस तरीके से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और NaCl इस तरीके से बनेगा। जनरल प्रॉपर्टीज ये है कि जो बनते हैं सॉलिड्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबल है पानी में, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में, इसके अलावा एक्वस स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगला है एक्सप्लेन द एग्जांपल हाउ, आपको एग्जांपल बताना है किस तरीके से एक्स जिसकी लो रिएक्टिविटी है, जो लो है रिएक्टिविटी सीरीज में, और जो मेटल वाई है जो हाई है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसको अब निकालेंगे उनके कंपाउंड से रिडक्शन प्रोसेस से। तो पहली चीज ये है कि एक्स को आप केमिकल रिडक्शन से निकालेंगे, वाई को आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वाई इसमें मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वो मेटल जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में है वो आप केमिकल रिडक्शन से नहीं निकाल पाएंगे, उनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से निकालना पड़ेगा। दूसरा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। तो सोडियम है 281 यानी कि 11, क्लोरीन है 287 यानी कि 17। तो आपको फॉर्मेशन भी बताना है सोडियम क्लोराइड का, NaCl का, सोडियम और क्लोरीन से ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा छोड़ देगा, क्लोरीन को एक चाहिए अपना ऑक्टेट बनाने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा तो Cl- बनेगा, यानी Na अपना इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन देगा, Cl- लेगा, NaCl इस तरीके से बनेगा। लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। आपको दो ऑब्जर्वेशन बताने हैं जब बहुत रिएक्टिव मेटल को पानी में डालेंगे आप। पहली चीज तो ये है कि मेटल आग पकड़ लेगा और एल्कली सॉल्यूशन बनेगा जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। एक रिएक्शन है मेटल का उस फेरिक ऑक्साइड के साथ, वो बहुत जबरदस्त हीट निकालता है यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक है। ये जो मेटल एक्स है इसको निकाला जाता है इनके ऑक्साइड से इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन द्वारा। आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स को और रिएक्शन भी लिखना है इसका फेरिक ऑक्साइड के साथ। इसके बाद आपको रीजन देना है ताकि जस्टिफाई कर सके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एक और एग्जांपल देना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट भी बताने हैं जो मेटल के ब्रॉन्ज में है। तो एक्स आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जब Fe2O3 के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनता है और Fe साथ में आपको मिल जाता है। Al2O3 रिएक्ट करता है आपके एसिड से साथ में आपके बेस के साथ, इसीलिए एसिड और बेस के साथ दोनों से रिएक्ट करता है ये, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक एसिड कहते हैं। इसका एग्जांपल और अगर हम लें जैसे Al2O3 आपका एम्फोटेरिक है,
ऐसे जिंक ऑक्साइड भी है, ये भी एम्फोटेरिक है। जो ब्रॉन्ज में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल है वो है कॉपर और टिन। 2010 के सवाल है, आपको वैलेंसी बतानी है सिलिकॉन की जिसका एटॉमिक नंबर है 14। तो वैलेंसी आपकी देखिए 14 है, तो आप इसको बनाएंगे 2, 8 और 4, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी 4। वैलेंसी हमेशा 8 से माइनस करके लेते हैं, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस विद एटॉमिक नंबर 15? वैलेंसी क्या हुई इसकी, जैसे हमने कहा 2, 8 और 5, तो इसकी वैलेंसी वैसे यहां से नॉर्मली देखा जाए तो 5 दिख रही है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया आखिरी वाला जो है 8 से सब्ट्रैक्ट करके आता है, तो 8 माइनस 5 3 होगा। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एटॉमिक नंबर 35? तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, वैलेंसी इसकी 1 है, आपको 2, 8, 8 इस तरीके से आगे बढ़ाने हैं, और आखिर में आपको जो लास्ट में आएगा उसको 8 से माइनस करना है, तो आपकी वैलेंसी 1 आएगी इसकी। एलिमेंट्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये बिलोंग करते हैं ग्रुप 2 और ग्रुप 16 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। अब जो एटॉमिक नंबर है मैग्नीशियम ऑक्सीजन का 12 और 8 है, आपको उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, और ये भी बताना है जो प्रोसेस है कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है उनके कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके। तो इस तरीके से बनाएंगे, शुरुआत में जो पहला आपका ऑर्बिट बनता है वो के कहलाता है, फिर एल है, फिर एम है, क्योंकि 2, 8, 2 है इसका नंबर ही आपका 12 है, तो 12 कैसे बनेगा, 2, फिर 8, फिर 2, इस तरीके से। तो 2, 8, 2 बनाएंगे आप, तो 2, 8 और 2, यानी यहाँ पर 2 गोले लगाएंगे, एल में आप 8 गोले लगाएंगे, और जो आखिरी का गोला है मतलब आखिरी का जो सर्कल है उसमें 2 इस तरीके से गोले लगाएंगे। ऑक्सीजन की बात करें 2, 6, तो के में आपके 2 आएंगे, आखिर जो लास्ट वाला गोला है उसमें ये छोटे छोटे आप जो बना रहे हैं सर्कल्स वो आपके 6 बनेंगे, के शेल में 2, एल शेल में 6। अब बनता कैसे है, जैसे एम जी है, इसके पास 2 है, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो इसमें Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होता है जब ग्रेन्यूल सॉलिड ए का मिक्स किया जाए पाउडर सॉलिड बी के, लेकिन जब मिक्सचर को हीट किया जाएगा तो रिएक्शन स्टार्ट होता है और साथ में हीट भी निकलती है। प्रोडक्ट सी इस जो बनता है इस रिएक्शन का वो सेटल डाउन हो जाता है लिक्विड मेटल की तरह, और सॉलिड प्रोडक्ट डी ये फ्लोट करता रहता है इस लिक्विड सी में। ये रिएक्शन जो है ये यूज होता है कभी समटाइम्स मेटल जो रेडी टू यूज है किसी ऑड प्लेसेस में, इसको यूज किया जा सकता है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, आपको अजम्पशंस लेना है ए और बी के बारे में, और जो करस्पॉन्डिंग डिडक्शंस जो आपके ऑब्जर्वेशन निकलेंगे उससे जो कंक्लूजन निकलेगा सी और डी के लिए निकालना है। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखने हैं इस रिएक्शन के, आपको इंक्लूड करना है केमिकल इक्वेशन, इनके फिजिकल स्टेट भी बताने हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के, और हीटिंग की नीड है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, और रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है। 2 टाइप के केमिकल रिएक्शन बताने हैं जिससे टू विच जो ये जो रिएक्शन है जिसको बिलोंग करता है। पहली चीज तो ये है, ए एल्यूमिनियम है, बी आपका फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3। एल्यूमिनियम ए है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है, हीट किया जाएगा तो Al2O3 बनेगा, साथ में Fe अलग से निकल जाएगा और साथ में हीट निकलेगी। ये आपका रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम जो है वो Fe यानी आयरन को रिप्लेस कर रहा है। ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि जो इसमें एल्यूमिनियम है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो आपका Fe2O3 है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अरेंज करना है इन मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये इस तरीके से बनेगा। आप जानते हैं कि हाईएस्ट सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, फिर ये पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, फिर कॉपर, फिर आपका Ag। एक और है, जब उसको हीट किया गया एयर में वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। आप कौन सा प्रोसेस सजेस्ट करेंगे इस कॉन्सेंट्रेशन के लिए, आपको ब्रिस्क थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफली ये भी बताने हैं, कोई 2 स्टेप जो इन्वॉल्व होंगे कन्वर्जन में, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है रिलेटेड मेटल में आप मिडल मेटल मिल जाए इसमें, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पूछा गया है इसमें इसका उत्तर ये रहेगा, इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। अब देखिए इसमें रोस्टिंग और रिडक्शन, रोस्टिंग का मतलब ये होता है जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फाइड ओर है इसको हीट किया जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ना,
सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट हो गई। रिडक्शन का मतलब ये है कि जो ऑक्साइड है आपका मेटल का, इसको रिड्यूस किया जाएगा आपके रिड्यूसिंग एजेंट से जो आपका यहाँ पर कार्बन है, ताकि आपका फ्री मेटल निकल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ लिबरेट हो जाएगी। आपको रीजन बताने हैं इन ऑब्जर्वेशन के। आयोनिक कंपाउंड इन जनरल मतलब जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, और जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उसको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते उनके ऑक्साइड से अगर हम उनको हीट करें कार्बन के साथ, और कॉपर वेसल्स के ऊपर एक ग्रीन परत चढ़ जाती है जब इसको आप एयर में एक्सपोज कर देते हैं। इसका उत्तर इस तरीके से है, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अपोजिटली चार्ज आयन इसमें मिलते हैं तो स्ट्रांग फोर्स से वो आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। दूसरे का उत्तर ये है कि जो मेटल है अपने आप में वो बहुत स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको आप कोई भी, जैसे कार्बन है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका उपयोग करके नहीं रिड्यूस कर पाएंगे। कॉपर वेसल के ऊपर, क्योंकि कॉपर रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, तो इसके ऊपर एक हरी परत बन जाती है जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की, जो आपका यह CuCO3 इस तरीके से, और साथ में आपका CuOH2। आपको रीजन बताने हैं इन ऑब्जर्वेशन के। जो शाइनिंग सरफेस है कुछ मेटल के, वो डल हो जाते हैं जब उनको आप एयर पे रख देते हैं कुछ समय के लिए। जिंक फेल पहला देख लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जो आप रिएक्टिव मेटल्स हैं, और जैसे आप एटमॉस्फेयर पे जाएंगे उसमें एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका ऑक्सीजन भी है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन मतलब एयर के कॉन्टेंट है, अब उस वाटर वेपर भी है, तो एटमॉस्फेयर के संबंध में आते ही, संपर्क में आते ही, ये इसका जो सरफेस है वो ये कंपाउंड बनाने लगेगा और इसके साथ रिएक्शन करने लगेगा, इसलिए इसका जो सरफेस है वो डल हो जाता है। उसके लिए फिर आपको टैमरिंड यानी कि इमली का या फिर लेमन जूस यूज़ करना पड़ेगा साफ करने के लिए। अगला है जिंक फेल टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। जिंक फेल हो जाता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने में जब ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि जो डाइल्यूट HNO3 है, जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए जिंक आपका NO देता है, हाइड्रो H2 नहीं देगा। किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ। मेटल सल्फाइड ये मेनली रॉक्स में मतलब पत्थरों में, लेकिन जो मेटल हैलाइड्स हैं वो आपको आपको सी में यानी कि पानी में, नमकीन पानी में, समुद्र में या फिर लेक लेक में, तालाबों में मिलेंगे। ये इसलिए है क्योंकि जो सी वाटर है उसमें नमक भरा हुआ है, आप अगर सी वाटर को चखेंगे तो एकदम नमकीन लगेगा, बहुत ज़्यादा नमकीन लगता है। तो जो समुद्र का पानी है उसमें NaCl होता है, इसके कारण जो मेटल हैलाइड्स बन जाते हैं, और सल्फर आपके रॉक के नीचे, पत्थरों के नीचे मिलता है, इसलिए जो मेटल सल्फाइड है वो रॉक पे मिलते हैं आपको, पत्थरों में मिलेंगे। आपको रीजन बताना है, इलेक्ट्रिक वायर इसको कवर किया जाता है रबर लाइक मटेरियल से। क्यों? उसका कारण ये है कि रबर आपका इंसुलेटर है, अगर आप नंगी तार को जिसके ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है छुएंगे तो आपको करंट लगेगा। अगला है फॉर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक कैन लिबरेट हाइड्रोजन बट कॉपर कैनॉट। अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो जिंक हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा लेकिन कॉपर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और वो डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को, जो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो वो डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को डाइल्यूट HCl से, लेकिन कॉपर नहीं कर पाता क्योंकि ये कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, बस इतना सा रीज़न है। सल्फाइड और जो है मेटल के वो पहले कन्वर्ट होते हैं उनके ऑक्साइड में, ताकि ये कन्वर्ट किए जाते हैं ताकि आप मेटल को निकाल सकें। उसका कारण ये है कि ये ज़्यादा आसान है रिड्यूस करना ऑक्साइड को एज़ कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करें सल्फाइड ओर को, तो ज़्यादा बेहतर ये है, इसीलिए उसको पहले कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड में, फिर आराम से उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है मेटल को। कोरोजन का मतलब क्या होता है? दो तरीके बताइए जिससे हम कोरोजन को रोक सकते हैं। कोरोजन एक ऐसा तरीका है या ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एनवायरमेंट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उसके बाद वो एक कंपाउंड बनाने लगते हैं, तो आपका जो ऊपर का पोर्शन है वो आपका निकलने लगता है, कोरोजन होने लगता है, वो चीज़ें कुछ और बन जाती हैं, तो उसका लॉस होता है मेटल का। अब आपको इसके तरीके भी बताने हैं। एक और इसमें सवाल ये है कि मान लीजिए आपको एक्सट्रैक्ट करना है एक मेटल M उसके सल्फाइड ओर से, एनरिच सल्फाइड ओर से, यदि M
ये मिडिल मिडिल में है रिएक्टिविटी सीरीज के, तो आप स्टेप्स बताइए कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इस मेटल को। पहले तो हम प्रिवेंशन देख लेते हैं, फिर इसके बाद जाएंगे। पहले इसका मैं प्रिवेंशन बता दूं। ये वाला प्रिवेंशन ये है कि आप जिंक का कोटिंग कर सकते हैं आयरन के ऊपर, इसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं, इससे आयरन की रस्टिंग नहीं होगी, करोजन नहीं होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और अच्छा तरीका है जिससे करोजन को हटाया जा सकता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप मेटल के ऊपर कोटिंग कर दें। अब दूसरे पार्ट के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन कैसे करेंगे ओर का, पहले सल्फाइड ओर को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से। जो सल्फाइड ओर है उसको हम कलेक्ट करेंगे एज फ्रोथ, और जो गैंगी है वो आप पीछे छोड़ दीजिए, वो लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सल्फाइड ओर को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और बहुत स्ट्रांगली हीट करेंगे ताकि मेटल ऑक्साइड बने और सल्फर डाइऑक्साइड बने। जैसे ये जो आपका सल्फाइड ओर है, इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको हीट करेंगे तो आपका मेटल ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, अब हम इसका, ये रोस्टिंग है, दिस इज रोस्टिंग, इसको रोस्टिंग करेंगे कहेंगे, ROASTING। इसके बाद हम रिडक्शन करेंगे, जो मेटल ऑक्साइड है इसको रिएक्ट करवाएंगे कार्बन के साथ, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ताकि आपको मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड मिले। तो मेटल का हमारा मेन कंसर्न है। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो इम्प्योर मेटल है एम, ये प्यूरिफाई कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। इम्प्योर मेटल को हम एनोड की तरह तरह लेंगे, और जो प्योर मेटल को हम एज अ कैथोड लेंगे। जो सोल्यूबल सॉल्ट है उस मेटल का, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट की तरह लेंगे। जो इम्प्योर मेटल है वो मेटल आयन बनाएगा जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, और आपका प्योर मेटल आपके पास मिल जाएगा कैथोड में। डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स अंडर दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, देखिए करके देखते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड, पहले स्ट्रेंथ की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रिक कंडक्शन की बात करेंगे। तो आयोनिक कंपाउंड में जो स्ट्रेंथ है इसमें बहुत स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं अट्रैक्शन की, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में वीक फोर्स होता है अट्रैक्शन का। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये सॉल्युबल है वाटर में आयोनिक कंपाउंड, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड्स जो कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं ऐसे कंपाउंड, ये इनसॉल्युबल है वाटर में। आयनिक कंपाउंड कंडक्शन की बात करें तो ये एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और अगर कोवेलेंट की बॉन्ड बात करें तो ये एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अगला है, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय द रिडक्शन प्रोसेस। एक मेटल एम है जो मिडिल में है रिएक्टिविटी सीरीज के, तो मेटल एम अगर मिडिल में है रिएक्टिविटी सीरीज के, तो उसको हम एल्यूमिनियम से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपका कोई मेटल है, एल्यूमिनियम लीजिए, ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, साथ में आपको मेटल मिल जाएगा। एक मेटल एन है जो बहुत ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज के, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, यह आपका जो भी मेटल है वो आपका इससे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से आपका आ जाएगा। अब मेन चीज ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये हाई रिएक्टिविटी सीरीज पे है, और एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल भी देने को कहा गया ना, यहाँ एल्यूमिनियम हो गया, पहले वाले के लिए आपका आप मैग्नीशियम ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में है, तो बड़े इसको हम केमिकल रिडक्शन से नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ही लगाना पड़ेगा। तो ये सवाल जवाब हुए मेटल्स और नॉन मेटल्स के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।